सबको दोस्तों, हम आए हैं श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल से और ये देख सकते हो नहा रहे नरसिंह घाट पे हम आए हैं गणेश जी का विसर्जन करने। तो ये और हम भी लेके आए हैं, तो देख सकते हो ये रहे हमारे तीनों गणपति जिनका हम अब अंतिम स्वागत कर रहे हैं और हम विदा कर रहे हैं इनको अब। तो ऐसा है, और ये अपने हरि भैया जी, और हम अब विसर्जन करने के लिए हम नाव में बैठ के जाएंगे। देख सकते हो नाव में बैठ के जाएंगे, और ये हम इकट्ठे हुए सभी, बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। और ऐसा है हाट पिपलिया का नरसिंह घाट का नज़ारा, देख सकते हो आप, ये ऐसा है हाट पिपलिया का नज़ारा। तो आप सभी को हम दिखा रहे हैं गणपति जी का विसर्जन करना है। तो देखो ये काफ़ी बड़ा एक बड़ा गणपति जी है, देख सकते हो आप, जिनका भी विसर्जन के लिए स्वागत के तौर पर किया जा रहा है। और इधर हमारे छोटे छोटे जो गणपति जी है इनका भी हम लास्ट में अंतिम विदा कर रहे हैं, इन्हें भी हम देख सकते हो। तो ये हमारे जो हरि भैया है, लास्ट पूजा चल रही है और अब हम गणपति जी को करेंगे विसर्जन। और पीछे देख सकते हो नाव, नाव में बैठ के हम जाएंगे और दिखाएंगे कुछ सीन कैसा क्या रहता है उसका नज़ारा। तो बने रहना दोस्तों, आज हम श्री उमा विद्या मंदिर परिवार की ओर से जो हमारे तीनों जो गणपति है इनको लेकर आए हैं और हम विसर्जित करेंगे इनको और पानी के बीच में जाके। तो ऐसा है नज़ारा, और देख सकते हो ये ऐसा बना है नरसिंह घाट। और यहाँ पर आपको पता है ना कि हर साल नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है 7.5 किलो की वो तिराते हैं। तो ये यहाँ का नज़ारा ऐसा है। हमारे गणपति जी हमने सामने रख दिया नाव के सामने, और ये नाव में बैठे सभी के सभी जो अपने अपने गणपति जी लेके बैठे हैं। और इस तरह से हम नाव में बैठ के जाएंगे और विसर्जन करेंगे। तो देख सकते हो ये है, और ये है बड़ा गणपति जी, आप देख सकते हो ये बड़ा गणपति जी, इसी भी लेके हम जा रहे हैं। तो आज इनका विसर्जन का दिन है, ऐसा है नज़ारा। तो हम नाव में बैठ गए हैं और अब हम जाएंगे, देख सकते हो सारी पब्लिक हमारी बैठ गई है और हम नाव में बैठ के अब जाएंगे विसर्जन करने। तो देख सकते हो उस तरफ पूरी नदी है, पानी भरा हुआ है, और हम अब जा रहे हैं। और स्कूल तरफ से है हमारे जो तीनों जो गणपति जी है, तीनों गणपति जी हमारे स्कूल के जो है उनको हम विसर्जित करेंगे, और ऐसा रहेगा। तो हम अब देखते हैं, पानी के बीच में जाएंगे और वहाँ विसर्जित करेंगे, और ऐसा है नज़ारा। तो देखो हमारी ये सारी पब्लिक बैठ गई है, और ये जो हमारी हरि भैया जी भी ये भी बैठे हुए हैं, है ना। तो अब हम निकल रहे हैं विसर्जन करने के लिए। तो ये चल हो गया, देख सकते हो नाव का नज़ारा ऐसा है हमारा। ये चल हो गया हमारी नाव, और ये हम निकल रहे हैं, देख सकते हो नाव में बैठ के जा रहे हैं। तो अब ये विसर्जित करेंगे, देख सकते हो ये हमारे गणपति जी को विसर्जित कर दिए, और ये है दूसरा विसर्जित, आप देख सकते हो, और ये है तीसरा विसर्जित। तो ये हो गया हमारा, और ये जो छोटा गणपति है देख सकते हो, इन्हें हम थोड़ा सा बीच में जाके विसर्जित करेंगे। तो ये है नाव में बैठ के जा रहे हम, और ऐसा है आनंद यहाँ का, देख सकते हो काफ़ी आनंद आ रहा है, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और ऐसा है यहाँ का लुक, कैसा लगा दोस्तों, कैसा है। और ये जो नाव के जो कलाकार है, जो नाव चलाने वाले बॉस जो नाव चलाते हैं, तो ऐसा है यहाँ का नज़ारा, है ना। नाव में बैठ के जा रहे हैं और ऐसा है यहाँ का नज़ारा। तो हम वापस मुड़ के जाएंगे, और जो बड़ा जो गणपति जी है हम बीच में जाके विसर्जित करेंगे, और काफ़ी बीच में, ताकि काफ़ी यहाँ से पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा भर पानी ज़्यादा है। तो बड़ा जो गणपति जो हम इसमें विसर्जित करेंगे, अभी हमारे जो छोटे छोटे जो गणपति जी थे हमने पीछे विसर्जित कर दिए हैं, और जब भी जो हमें टीम है जो पीछे बैठी हुई है सारी, ये जो बड़ा गणपति जो हम बीच में जाके विसर्जित करेंगे। हमारे एक एक से गणपति का विसर्जित कर रहे हैं हम, और ये हो गया हमारा एक विसर्जित, और अब हम बड़ा गणपति का इंतजार करेंगे, देखते हैं कैसा क्या। ये है हमारे बने गणपति को विसर्जित कर दिए, देखो गणपति बाबा, गणपति बाबा।
ऐसा रहा हमारा आज का नजारा। और बड़े गणपति जी को हमने विसर्जित कर दिया है और छोटे छोटे जो गणपति थे उन्हें भी विसर्जित कर दिया हमने। और आज पहली बार हम हाटपिपला की छोटी वाली जो नाव है उसमें बैठ के हमने विसर्जित करा है। पहले हम क्या साइड से वो जो रेखा है ना वहाँ करते थे, अब आज हम नाव में बैठ कर बीच में आके विसर्जित कर रहे हैं। अच्छा लगा हमें और काफी आनंद आया। तो दोस्तों ऐसा रहा हमारा गणपति का विसर्जित का आज का दिन हमारा, तो बहुत अच्छा आनंद आया और काफी मजा भी आया। तो ऐसा रहा, ये हम जा रहे हैं नरसिंह घाट के लोकेशन तरफ, देख सकते हो नाव में बैठ के। तो इस तरह की सीन बनती है और ये है ऐसा, और पानी काफी भरा हुआ है और ये है पानी का ऐसा नजारा है ना। तो ऐसा था आज का दिन हमारा। आई होप दोस्तों कि आज आपको काफी अच्छा मजा आया होगा। हम गणपति जी को हम विसर्जित करें नाव में बैठ के, जाके बीच में जाके हमने विसर्जित करा। पहले क्या साइड से हो जाता था, यहाँ साइड कहीं भी कर देते थे, आज हम पहली बार नाव में बैठ कर विसर्जित किए। वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी आनंद आया होगा। तो इसी के साथ आप जुड़े रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर और मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।